विधानसभा क्षेत्र भटियात के ददामन से गोला तक सड़क मार्ग की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। बताते चले कि ददामन से गोला तक का सड़क मार्ग तो पिछले दो साल से चौड़ा करने का कार्य चला हुआ है, मगर ठेकेदार की लापरवाही के चलते इस सड़क मार्ग की स्थिति लगातार खराब हो रही है। ददामन से गोला तक खड्डों की भरमार व धूल से भरा यह सड़क मार्ग देखा जा सकता है, जिसे आने वाले वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में 20 दिन पहले पहाड़ी की कटाई करते समय ऊपर से पहाड़ी से कुछ हिस्सा सड़क पर आ गया था, मगर आज दिन तक संबंधित विभाग व ठेकेदार गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हालांकि विभाग द्वारा छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है, मगर बाहर की तरफ डंगा धंसने लगा है, जिससे कभी भी कोई बड़ी अनहोनी घट सकती है। स्थानीय लोगों ने PMY के अंतर्गत घरों के काम लगाए हुए हैं, मगर पिछले 20 दिनों से सभी कार्य रुके हुए हैं। हालांकि इस सड़क को चौड़ीकरण का कार्य अगस्त 2024 में समाप्त होना था, मगर विभाग व ठेकेदार की लेट लतीफी के कारण परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय जनता ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व संबंधित विभाग से गुजारिश की है कि ठेकेदार को अतिशीघ्र इस सड़क मार्ग को ठीक करने के आदेश दिए जाएं, ताकि स्थानीय जनता को राहत मिल सके। वहीं इस बारे में जब ठेकेदार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मशीन में तकनीकी खराबी के चलते देरी हुई है, दो दिनों के भीतर गोला सड़क मार्ग को बड़ी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया जाएगा।